चरण का मतदान होगा और इस फेज में उस इलाके में भी वोट डाले जाएंगे जो कभी मिनी चंबल के नाम से कुख्यात था। जी हां, पश्चिमी चंपारण का दियारा इलाका कभी डाकुओं की हुकूमत चलती थी यहां। हाल यह था कि डाकुओं के आशीर्वाद से नेताओं को जीत मिलती थी, लेकिन अब समय बदला तो हालात भी बदले, डाकू साधु हो गए। यह इलाका कभी बिहार का मिनी चंबल कहलाता था, डकैतों को लेकर कुख्यात, एक पर एक नामी डकैत जिनके नाम का ही डंका इस इलाके के आसपास गूंजा करता था। पश्चिम चंपारण का बगहा, यही तो था मिनी चंबल ऑफ बिहार। कहते हैं इस इलाके में डाकुओं का खौफ ऐसा कि नेता तक यहां के डकैतों का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे, और आज वो डकैत पूजा पाठ में व्यस्त हो गए हैं। एगो मुद्दा दिखाओ दे डाकू जंगर रात, वो तो लोग के डंगर आ रहे तो लोग का रक्षा करे, जितना लोग चैंस हमी से रहे उतना चैंस बड़ा लोग नहीं खेज गरीब वगैरह चिल्ला तेरे चोमले राज रहे तो ठीक रहे, हम के रक्षा होके हैं आइए बड़ा जितना बड़का लोग कैसे कुछ लोग बाटे, अब गरीब इज्जत नहीं बचत को कुछ नहीं बचत। 90 के दशक में जब लालू यादव की सत्ता आई तब भी इस इलाके में पटना वाले लालू यादव की नहीं बल्कि मिनी चंबल के लालू यादव की तूती बोलती थी। पटना में जनता दरबार लगता तो मिनी चंबल में भी लालू का दरबार सजाया जाता था। उस समय की हालत यही थी कि कहने के मतलब कि वो लोग अपराधी थे, मैंने उस समय भी लोग का रक्षा करते थे गरीबों के। उस समय हम लोग कहीं भी जाते थे आते थे, सब लोग भी जहाँ भी जाते थे आते थे वहाँ स्वतंत्र थे, कहीं से आदमी चले जाते थे आते थे कोई दिक्कत नहीं हो। बिहार के मिनी चंबल में कई डकैत हुए, दस्यु सरगना, भगड़ यादव, लक्ष्मण यादव, लालू यादव, बंसी यादव, रामचंद्र मल्ला, अलाउद्दीन मियां और ना जाने कितने, लेकिन समय का पहिया चलता गया और मिनी चंबल इतिहास में बदल गया। लेकिन आज भी डकैतों की यादें इन इलाकों में बसी हुई हैं। रुपेंद्र